उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में इन दिनों दर्शन व्यवस्थाओं को लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है। आज महाकाल मंदिर के पुजारियों ने नंदी हॉल में खड़े रहकर विरोध किया। इधर से नहीं निकलने देंगे प्रोटोकॉल वालों को धरना देते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। पुजारियों का कहना है कि कुछ लोग प्रोटोकॉल का बहाना कर नंदी हॉल से श्रद्धालुओं को दर्शन करा रहे हैं, जिसकी वजह से गर्भगृह से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पहले महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की जब बैठक होती थी उसमें हम पंडित पुजारियों को शामिल किया जाता था, लेकिन अब समिति की बैठक में पंडित पुजारियों को शामिल नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से अवस्थाएं पनप रही है। महाकाल मंदिर में दर्शन व्यवस्था के विरोध में मंदिर के पुजारी बैठे धरने पर, व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। महाकाल में दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए जो आ रहे हैं, आम दर्शनार्थी और 1500-1750 वाले जो दर्शनार्थी दर्शन करने आ रहे हैं, जो पैसा देने के बाद भी 4-5 घंटे दर्शनार्थी दर्शन करने के लिए तरस रहा है, ना उनको पानी पीने की व्यवस्था है, ना पेशाब करने की व्यवस्था है, और बच्चे बच्ची भूखे प्यासे वहाँ पे सब तड़प रहे हैं वहाँ पे, और प्रशासन को बार बार कहने के बाद भी, प्रशासक महोदय को बार बार कहने के बाद भी वो यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, और प्रोटोकॉल की इतनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है यहाँ पे कि ये नंदी हाल से दर्शन करवा रहे हैं यहाँ पे, और प्रोटोकॉल के नाम पर यहाँ पे हजारों को नंदी हाल से दर्शन करा रहे हैं। जो 750 की रसीद जो प्रशासन द्वारा काटी जा रही है ना, उसका निर्णय प्रबंध समिति में नहीं हुआ, अवैध रूप से काटी जा रही है और अनलिमिटेड काटी जा रही है, जिससे मंदिर पुरोहित और पुजारी उनका नुकसान हो रहा है। आज क्या किया आप लोग? हमने यहाँ पे नंदी हाल में जो भी प्रोटोकॉल पे आ रहे हैं और बिना प्रोटोकॉल के जो कर्मचारी आ रहे हैं उनको सबको रोका है यहाँ पे, धरना दिया। चूंकि अभी संज्ञान में आया था कि हमारे पुजारी पुरोहित समुदाय के कुछ सदस्यगण को किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई थी, जिनको हम प्रशासनिक स्तर पर हम लोगों ने संज्ञान में लिया और उसका संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया है। वर्तमान में बाबा महाकाल के दरबार में आगंतुकों और श्रद्धालुओं को काफ़ी संख्या में आवागमन हो रहा है, तो जिसके कारण उनकी मांग रहती है कि श्रीमान हमारे जो दर्शनार्थी हैं, हमारे जो श्रद्धालु हैं, कभी कभी जल्दी दर्शन नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो हमारे द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि सभी को सुलभ और सरल दर्शन हो, जो हमारे प्रोटोकॉल के माध्यम से या पुजारी पुरोहित के माध्यम से यजमान आते हैं, हम उनको भी अच्छी से अच्छी सेवा देने के साथ ही साथ हमारे जो 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु और आगंतुक लोग आते हैं उनको भी अच्छी से अच्छी सुविधा दें, के कारण कभी ना कभी थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है, जिसका हम समाधान करते हैं, हमारी टीम द्वारा समाधान किया है। क्या विरोध जारी है? नहीं, कोई विरोध नहीं है। अभी कुछ एक इन लोगों की समस्याएं थी छोटी छोटी सी, तो उसका समाधान करके व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है।